रेडियो झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। अलविदा और ईद उल फित्र को लेकर मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। टेढ़ी हरैया में नहीं पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। गढ़वा प्रखंड के टेढ़ी हरैया में अलविदा और ईद उल फित्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का सम्मान करते हुए अलविदा और ईद उल फित्र की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला लिया गया। यह बड़ी खबर है। टेढ़ी हरैया में ईद उल फित्र की नमाज नहीं होगी। टेढ़ी हरैया के सदर हाजी जवाद ने सुरक्षात्मक एवं सकारात्मक कदम उठाते हुए इसका ऐलान किया। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। आज अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन टेढ़ी हरैया की एक अलविदा के नमाज और ईद के ईद उल फित्र की नमाज के मुतल्लिक पूरे कौम व मिल्लत के लोगों के बीच अंजुमन ने एक फैसला लिया। फैसला ये लिया कि देश पर आने वाला आपदा कोरोना वायरस के चलते जो आज हमारा पूरा देश सारे मजाहिब के लोग परेशान हैं, यही नहीं चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर की कपाटें हों, चाहे ईदगाह हो, चाहे मस्जिद हो, पूरा डाउनलॉक है, पूरा बंद किया गया है। ये हमारे हुकूमत हिंद का फैसला है और झारखंड गवर्नमेंट माननीय हेमंत सोरेन जी का ये फैसला है। इस फैसले के साथ हम टेढ़ी हरैया के अंजुमन के तमाम मुसलमान कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे ये टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जहाँ जहाँ भी मेरा संदेश जाए, मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में आप स्वस्थ रहने की कोशिश करें, शिक्षित रहें और अपने ज़िंदगी को हिफाजत करने की कोशिश करें। आपका अगर जिंदा आप अगर जिंदा रहते हैं तो हजारों ईदें आएंगी, हजारों अलविदा आएंगे और सब में आपको इबादत करने का मौका मिलेगा। आज हम पूरे देश को, हर कौम मिल्लत के लोगों को कदम में कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हमारे अंजुमन के लोग जहाँ जहाँ तक हम लोगों का असर रसूख है या मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी, कोई भी मुसलमान अलविदा के नमाज में गैदरिंग नहीं करेंगे। सिर्फ इमाम के अलावा 3 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। और नमाज ईद जो ईदगाह में होती है, आम मुसलमान बच्चे बूढ़े सब लोग पहुँचते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के वजह से सरकार के फैसले को हम कदम बन के चलते हुए, सरकार के फैसले को मानते हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का फैसला हो, इस सारे फैसले को हम तमाम मुसलमान तहे दिल से मान रहे हैं। और आज जिंदगी की पहली ईद हम लोगों ने नहीं पढ़ने का फैसला लिया और मैं चाहता हूं कि इस फैसले से हम तमाम लोग खुश हैं और दूसरे को भी खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि ईद हम लोगों को खुशियों का पैगाम देता है। इस अंजुमन के सदर आली जनाब डॉक्टर जियाउल हक साहेब, नायब सदर आली जनाब निसात आलम साहेब, सेक्रेटरी जसीम साहेब, नायब सेक्रेटरी आली जनाब नजीबुल्लाह साहेब और खजानची हमारे नबी हुसैन साहेब, इरफान साहेब हमारे मुखिया बदरुद्दीन साहेब, माहताब आलम साहेब, इमामुद्दीन साहेब, इशारे महल्ले लोग के लोगों ने यासीन साहेब की क़यादत में, सालगढ़ा अब्दुर्रज्जाक साहेब और सदर मुमताज साहेब इशारे लोगों के क़यादत में ये फैसला लिया गया कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में सरकार के बातों पर अमल करते हुए ईद के नमाज नहीं पढ़ने का फैसला किया। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मौके पर सदर डॉक्टर जियाउल हक अंसारी, मुखिया बदरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इरफान अंसारी, गरीब नवाज सू स्टोर रंका मोड़, महताब खान, निशात आलम, नसीबुल्लाह अंसारी, इमामुद्दीन अंसारी सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए डेली न्यूज झारखंड परिवार भी मुस्लिम समुदाय से अपील कर रहा है कि अलविदा की जगह जोहर की नमाज और ईद उल फित्र की नमाज कजा करते हुए चार रकात नफिल या फिर चार रकात चाश्त की नमाज अपने अपने घरों के अंदर पढ़ें, ताकि इस वैश्विक महामारी से लोगों को बचाया जा सके। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जिला प्रशासन को सहयोग करें, अपने अपने घरों के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।